वो रोज मौत के साथ आंख मिचौली का खेल खेलता था। जब यमराज उसको अपने पास बुलाने के लिए पुकारने की कोशिश करते थे तो वो उनको हाथ दिखाकर चुप कराते हुए कहता था, किसी और दिन आना, अभी मेरे पास मौत के लिए टाइम नहीं है। अपनी जिंदगी के आखिरी 11 दिनों में तो वो मौत के ऊपर ऐसे हंस रहा था जैसे मानो यमराज को चिढ़ा रहा हो। और जब यमराज उसके पास आए तो डरते डरते आए, उसकी शर्तों पर, उसकी मर्जी से आए। यमराज आए क्योंकि वो चाहता था कि अब यमराज आ जाए। नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। इंडियन आर्मी की असंख्य अदम्य साहस की कहानियों में से पैरा एसएफ के इस जवान की ये कहानी लेजेंडरी है। ये कहानी ऐसी है जिसको सुनकर इंडियन आर्मी के बड़े से बड़े वेटरन्स भी भौंचक्के रह जाते हैं। ये कहानी है पैरा एसएफ के वॉरियर लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी की, जिन्होंने 2015 में 10 दिनों के भीतर भीतर 3 एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में खुद वॉलंटियर करते हुए 11 आतंकवादियों को धराशायी किया था। 21 अगस्त 2015 को पैरा एसएफ के कैप्टन दीपेश मेहरा के नेतृत्व में एक स्क्वाड को कश्मीर के हंदवाड़ा जिले के एक सुदूर गांव खुरमूर के पास आतंकवादियों का शिकार करने के लिए तैनात किया जाता है। इंटेलिजेंस रॉक सॉलिड थी कि 3 आतंकवादी एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पर अपने 6 साथियों को पिकअप करने आने वाले हैं। इन 6 आतंकवादियों ने अभी हाल ही में LOC को क्रॉस किया है। अगले दिन 22 अगस्त 2015 की देर रात लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी अपने 2 साथी पैरा कमांडोज के साथ मेजर अनुराग कुमार के नेतृत्व में उधमपुर स्थित अपने यूनिट के हेडक्वार्टर से अपने एक अलग मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन चारों को इंटेलिजेंस मिली है कि एक डेजिग्नेटेड स्पॉट पर 10 आतंकवादी आने वाले हैं और इन चारों का ऑपरेशन था कि रास्ते में रेनफोर्समेंट्स को इकट्ठे करते हुए जाना और डेजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंचना। ये चारों अपने स्क्वाड व्हीकल में बैठकर निकल जाते हैं और पूरे रास्ते लांस नायक गोस्वामी मेजर अनुराग कुमार से एक ही बात पूछते रहते हैं कि सर एक्शन तो होगा ना, इनपुट तो सॉलिड है ना। अभी ये चारों कॉन्टैक्ट स्पॉट से 20 मिनट की दूरी पर थे कि इनके रेडियो पर एक मैसेज आता है, मेहरा साहब को गोली लग गई है, मेहरा साहब को गोली लग गई है। ये मैसेज खुरमूर से आ रहा था जहां कैप्टन मेहरा के स्क्वाड की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। इस मैसेज को सुनते ही लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी तुरंत चिल्लाने लगते हैं कि सर मेहरा साहब घायल हो गए हैं, चलिए फटाफट वहीं पर चलते हैं। मेजर कुमार थोड़ा सोच विचार में पड़ जाते हैं, हिचकिचाने लगते हैं। असल में वो ये सोच रहे हैं कि क्या लाइव फायर फाइट में सीधे जाकर घुस जाना कोई बुद्धिमानी होगी। लेकिन लांस नायक गोस्वामी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और चिल्ला चिल्ला कर विनती कर रहे हैं कि सर फटाफट वहां चलिए, अगर हम मुसीबत में फंसे अपने साथियों को भी नहीं बचा पाए तो देशवासियों को क्या बचाएंगे। अभी मेजर कुमार और लांस नायक गोस्वामी के बीच में चिल्ला चिल्ली चली रही है कि तभी उनके रेडियो पर एक और मैसेज आता है। उनके रेडियो पर खुरमूर से मैसेज आता है कि आतंकवादियों के पास पुले म्योत क्लैशनी क्लॉव नाम की मशीन गन है। इसका मतलब ये था कि खुरमूर में आतंकवादियों के पास एक मिनट में 700 से 800 राउंड्स फायर करने वाली अत्यंत शक्तिशाली दैत्यकाय मशीन गन है, जिसका क्लोज एंगेजमेंट में सीधा सामना करना लगभग असंभव है। लेकिन इससे भी बुरी खबर अभी आनी बाकी थी। खुरमूर के स्क्वाड से आने वाला कम्युनिकेशन एकदम से शांत हो जाता है, रेडियो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। क्या मतलब था इसका? क्या सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या खुरमूर में सारे भारतीय फौजी शहीद हो चुके थे? अब की बार इससे पहले कि लांस नायक गोस्वामी कुछ बोलते, मेजर अनुराग कुमार अपनी बुलंद आवाज में ऑर्डर देते हैं कि गाड़ी को मोड़ो और खुरमूर की तरफ फुल थ्रॉटल में चलाना शुरू कर दो। गाड़ी चला रहा पैरा कमांडो ठीक ऐसा ही करता है और चंद सेकंड्स में गाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार से अपने साथियों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देती है। खुरमूर से लगभग 200 मीटर पहले गाड़ी को रोककर चारों पैरा कमांडोज नीचे उतरते हैं और अपने 6 फिगर रेफरेंस ग्रिड सिस्टम पर अपने साथियों की लोकेशन का पता लगाना शुरू कर देते हैं कि तभी अचानक उनकी गाड़ी में कुछ गोलियां आकर लगती हैं।
चारों पैरा कमांडोस तुरंत कवर ले लेते हैं, कुछ मिनट इंतजार करते हैं और फिर स्टेल्थ मोड में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। खुरमूर गांव के किनारे के पास पहुंचकर चारों पैरा कमांडोस अपने पेट के बल लेटकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। खुरमूर के किनारे से हंदवाड़ा के पहाड़ की तरफ लगभग अपनी पोजीशन से 20 मीटर दूर उनको आतंकवादी दिखाई देते हैं और आतंकवादियों की इस पोजीशन से लगभग 10 मीटर दूर उनको कैप्टन दीपेश मेहरा घायल अवस्था में पड़े हुए दिखते हैं। चारों कमांडो से एक बड़े से पेड़ के पीछे कवर ले लेते हैं और कैप्टन दीपेश मेहरा के स्क्वाड को एक मैसेज रिले करते हैं कि अपनी पोजीशन रिवील करने के लिए लांस नायक गोस्वामी अपनी टॉर्च लाइट को उस पहाड़ की तरफ फ्लैश करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा रिस्की मूव थी, लेकिन रिस्क लांस नायक गोस्वामी का दूसरा नाम था। जैसे ही लांस नायक गोस्वामी अपनी टॉर्च को फ्लैश करते हैं, आतंकवादी क्लेशनिकोव मशीन गन से उनकी तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग ओपन कर देते हैं, लेकिन सारी गोलियां पेड़ के मोटे तने या फिर शाखाओं में लगती हैं, किसी भी कमांडो को एक भी गोली नहीं लगती। अपनी पोजीशन रिवील होते ही अब ये चारों कमांडोज आतंकवादियों के साथ डायरेक्ट फायर फाइट में इंगेज हो जाते हैं। लांस नायक गोस्वामी अपनी टार 21 राइफल से एक आतंकवादी को मार गिराते हैं और भाग कर घायल पड़े कैप्टन दीपेश मेहरा के पास पहुंच जाते हैं। वो अपने कंधे के सहारे से कैप्टन मेहरा को उठाते हैं और सेफ पोजीशन की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करते हुए लांस नायक गोस्वामी ये सुनिश्चित करते हैं कि वो आतंकवादी और घायल कैप्टन मेहरा के बीच में ढाल बने रहें। अगर कोई गलती से चली हुई गोली भी कैप्टन दीपेश मेहरा की तरफ आए तो वो लांस नायक गोस्वामी को लगे, कैप्टन मेहरा को ना लगे। ऑपरेशन खुरमूर, जैसा कि इसको बाद में नाम दिया गया, एक बेहद सफल और विजयी ऑपरेशन साबित हुआ और पीओके में स्थित आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स के लिए एक कड़ा संदेश था कि अगर बिना वीजा और पासपोर्ट के हमारे देश में आओगे तो मरोगे। लांस नायक गोस्वामी के स्क्वाड ने अभी मुश्किल से 2 दिन भी आराम नहीं किया था कि उनके कैंप में एक और इंटेलिजेंस इनपुट आता है। इंटेलिजेंस ये थी कि 5 पाकिस्तानी आतंकवादी LOC क्रॉस करके उरी सेक्टर में घुसे हैं। ये बहुत ही प्रतिकूल इलाका है, लेकिन यहाँ छुपने के स्थानों की भरमार है। यह आतंकवादी शमशाबरी रेंज के ऊपर से 4000 फीट की ऊंचाई पर ट्रैकिंग करते हुए अंदर घुसे थे और रास्ते में उनमें से एक को 35 राष्ट्रीय राइफल्स के एक जवान ने मार गिराया था, जबकि बाकी के 4 भागने में कामयाब। अब 35 राष्ट्रीय राइफल्स इन चारों आतंकवादियों के पीछे सर्चर मार्क 2 ड्रोन छोड़ देती है। आतंकवादियों को पकड़ने में माहिर ये ड्रोन चारों आतंकवादियों को 26 अगस्त को आधी रात के बाद शमशाबरी रेंज में स्पॉट कर लेता है और कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर चारों आतंकवादियों का हॉट ब्लॉच व्यू दिखाता है। 26 अगस्त को सुबह 6:15 ये ड्रोन इन चारों आतंकवादियों को रुककर छुपने के लिए कोई अनुकूल जगह ढूंढने की कोशिश करने की तस्वीरें राष्ट्रीय राइफल्स को दिखा रहा होता है। ये लोकेशन इन चारों आतंकवादियों की लास्ट नोन लोकेशन होने वाली थी। सुबह 9:30 इंडियन आर्मी का ध्रुव हेलीकॉप्टर लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी समेत 12 पैरा कमांडोज को शमशाबरी रिज पर ड्रॉप करता है। ये फुली आर्म्ड कमांडोज आतंकवादियों का शिकार करने के लिए तुरंत ग्रुप्स बना लेते हैं और अपने ऑपरेशन पर निकल पड़ते हैं, जिसका नाम होने वाला था ऑपरेशन लीडर पंजाल। 4000 फीट की ऊंचाई पर अपने कंधों पर 40 किलोग्राम का वजन लिए इंडियन वॉरियर्स आतंकवादियों के पीछे पीछे 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इससे पहले कि सर्चर मार्क 2 ड्रोन आतंकवादियों की एग्जैक्ट लोकेशन बताए, लांस नायक गोस्वामी उस गुफा के अंदर घुस जाते हैं जिसमें कि चारों आतंकवादी छुपे हुए थे। लांस नायक गोस्वामी गुफा के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि उनकी 2 टीम्स गुफा के 2 किनारों से उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। लांस नायक गोस्वामी आगे बढ़ते बढ़ते एक 30 फुट ऊंचे पत्थर के पीछे आतंकवादियों को स्पॉट करते हैं और अपनी टार 21 राइफल से तुरंत फायरिंग ओपन कर देते हैं। आतंकवादियों की तरफ से भीषण जवाब मिलता है। एक छोटे से पत्थर के पीछे कवर लेते हुए लांस नायक गोस्वामी अपने साथियों को वापस मुड़ने के लिए और बाहर निकलकर गुफा की एंट्रीज को ब्लॉक करने के लिए कहते हैं। जब कुछ मिनटों के बाद आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी थोड़ी कम हो जाती है तो लांस नायक गोस्वामी भी तेजी से भागते हुए गुफा से बाहर निकल जाते हैं और एंट्री पर अपने साथियों के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद इंडियन टीम आतंकवादियों को वार्निंग देती है और सरेंडर करने के लिए
कहती है। लेकिन जब बहुत देर तक आतंकवादियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, तब एक इंडियन कमांडो आरपीजी को गुफा के अंदर फायर कर देता है। धमाका होते ही एक आतंकवादी भौंकलाया हुआ, घबराया हुआ, फायरिंग करता हुआ गुफा से बाहर निकलता है, लेकिन लांस नायक गोस्वामी की गोली का निशाना बन जाता है। इसके बाद इंडियन टीम गुफा के अंदर बचे हुए आतंकवादियों को एक और वार्निंग देती है, फिर से सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन फिर से आतंकवादी कोई जवाब नहीं देते। बहुत देर तक उनका इंतजार करने के बाद इंडियन टीम फिर से गुफा के अंदर घुसती है और मलबे को छांटते हुए आतंकवादियों को ढूंढना शुरू कर देती है कि तभी अचानक एक आतंकवादी इंडियन टीम की तरफ फायरिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन एक कमांडो की गोली का निशाना बन जाता है और मारा जाता है। मलबे की छटाई करते हुए इंडियन टीम को एक और आतंकवादी की लाश मिलती है, लेकिन एक आतंकवादी अभी भी कहीं गुफा में छुपा हुआ है। बहुत देर तक उसको ढूंढने के बाद लांस नायक गोस्वामी चिल्लाकर बोलते हैं कि भाई जान बाहर निकल आओ, अभी भी समय है, बाहर निकल आओ, क्यों मरने के लिए इधर आए हो। आधे घंटे के बाद ये बचा हुआ आखिरी आतंकवादी बाहर निकल आता है और इंडियन टीम के सामने सरेंडर कर देता है। इस आतंकवादी का नाम था सज्जाद अहमद और ये पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का रहने वाला था। इंडियन टीम इस घायल आतंकवादी के घावों पर पट्टी करती है, इसको पानी पिलाती है, अपना खाना खिलाती है और हेलीकॉप्टर में बिठाकर हेडक्वार्टर्स ले जाती है। लांस नायक मोहन का तीसरा और आखिरी ऑपरेशन था 6 सितंबर को। इस बार 6 आतंकवादी कुपवाड़ा के सुसलियर के घने जंगल में घुस आए थे, जहां विजिबिलिटी कभी भी 3 मीटर से ज्यादा नहीं होती। इस बार भी लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी अपने फेवरेट ऑफिसर मेजर अनुराग कुमार के साथ ही ऑपरेशन पर गए थे, लेकिन इस बार अपने साथियों को बचाने के लिए वो आतंकवादियों की सीधी लाइन ऑफ फायर में आ गए। वो मुठभेड़ में घायल हो चुके और जमीन पर पड़े अपने साथी हवलदार महेंद्र सिंह को बचाने के लिए दहाड़ के साथ फायरिंग करते हुए आतंकवादियों और अपने साथी के बीच में कूद पड़े। उनकी कमर में 2 गोलियां लगी, जिनमें से 1 गोली उनके शरीर के आर पार हो गई, लेकिन उन्होंने अपने बंदूक की नली नीचे नहीं झुकने दी और जमीन पर गिरने से पहले अपनी तरफ बढ़ते हुए आतंकवादियों में से 2 आतंकवादियों को उन्होंने जमीन में मिला दिया। जब तक मेजर कुमार किसी तरह उनके पास पहुंचे, तब तक लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी मृत्यु को अपने गले लगाने का मन बना चुके थे। उनके अंतिम समय में मेजर कुमार कसकर उनका हाथ थामे बैठे रहे, इस उम्मीद में बैठे रहे कि क्या पता उनका ये जाबाज सिपाही आंख खोल ही ले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिंदगी में लांस नायक मोहन नाथ गोस्वामी ने कोई भी काम अधूरा नहीं किया।